सो दोस्तों, आजकल तो सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो और आप भी यूज करते होगे, तभी आप इस वीडियो पे आए हो ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट, दो मोबाइल फोन, एक ही साथ, एक ही टाइम में दो मोबाइल फोन में एक इंस्टाग्राम कैसे चला सकते हो। अगर ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने दूसरे डिवाइस में लॉग इन किया तो दूसरा लॉग आउट हो जाएगा, ये नहीं होगा। एक ही साथ आप दो मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम चला सकते हो, दोनों से एक ही साथ चैटिंग कर सकते हो, हर किसी के मोबाइल फोन में वर्किंग है, ये आपको लेटेस्ट ट्रिक में बताऊंगा। सो हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक फाइटर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है सचिन और वीडियो को आप स्किप मत करना गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा जिससे आप सीख करके ये कर सकते हो। अगर वीडियो को स्किप करते हो तो फिर आप अपना नुकसान देख लेना। गाइस, हम लोग यहां पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं जहां पे मैं आप लोगों को सारा चीज बताऊंगा कैसे आपको क्या प्रोसेस करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं, मेरे हाथ में भी दो मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन में मैं यहां पे एक आईडी ओपन करके रखा हूं इंस्टाग्राम में, ठीक है। यहां पे इंस्टाग्राम में आईडी ओपन है और ये सेम इंस्टाग्राम में आईडी ये इस मोबाइल फोन में ओपन करूंगा, लॉग आउट नहीं होगा किसी से भी, मैं दोनों साथ में चलाकर आपको लाइव दिखाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, दोनों मोबाइल फोन इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है और किसी एक में तो आपका आईडी ओपन होगा तो दूसरे मोबाइल फोन में भी आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम ओपन करके डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं मांगेगा ऐसा कुछ, पहले तो आप थोड़ा सा बैक आते हैं, बैक में और कुछ अगर मांग, फर्स्ट इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांग रहा है, मतलब कि जो यूजर आईडी इस आईडी में है जिसका आप लॉगिन करना चाहते हो या फिर उसका जिस नंबर से बना या फिर जिस ईमेल आईडी से बना है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ईमेल आईडी और नंबर याद नहीं तो मैं यहाँ पे फास्ट विन और प्रीमियम हैक है, यहाँ पर इसका यूजर नेम है, यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने अपना यूजर आईडी है जो कि इस मोबाइल फोन में इंटर कर लिया, ठीक है। और बाकी अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या उसका सॉल्यूशन है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर आपको उसी पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आपके एक क्लिक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और बाकी तो मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पर हूँ, बाकी मैं आपके लिए आसान वीडियो बनाता हूँ, इजी और फास्ट वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ने अपना यूजर इंटर कर लिया यूजर ने, उसके बाद हम लोग पासवर्ड अपना डाल लेते हैं, हो सकता है ये गलत होगा तो मैं आपको फॉरवर्ड करके बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और अगर आपका पासवर्ड देख सकते हैं मेरा इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है तो आपको क्या करना, सिंपली फॉरवर्ड पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको वही यूजर नेम जो इसमें मैंने डाला था वो सिंपली फिर से डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने फिर से अपना यूजर आईडी है जो कि यहाँ पे इंटर कर लिया, उसके बाद हम लोग को सिंपली फाइंड अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट को फाइंड करेगा कि कौन सा अकाउंट है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है कि एक ईमेल आईडी पे आपका यहाँ पर सेंड कर दिया गया है रिसेट लिंक, तो आपने जिस ईमेल आईडी में डाला है उस ईमेल आईडी में आपको यहाँ पे एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो मैंने अपना ईमेल आईडी ओपन किया जिस ईमेल आईडी से मैंने बनाया था, उसके बाद उस ईमेल पे आपको मेल आया रहेगा यहाँ पर इस तरह का कुछ, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली रिसेट योर पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर रिसेट योर पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप अपना पासवर्ड है जो कि रिसेट कर सकते हो। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे न्यू पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली रिसेट पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग का जो पासवर्ड है जो कि रिसेट हो जाएगा, आप लोग भूल गए थे अपना पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड हम लोग का रिसेट हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। देख सकते हैं हम लोग का पासवर्ड रिसेट हो गया और यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग अपने इंस्टाग्राम में रिडायरेक्ट हो गया। तो चलिए हम लोग फिर से अब यहाँ पे बैक आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इस मोबाइल को नीचे रखते हैं और इस मोबाइल में आते हैं और ऊपर बैक आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना जो पासवर्ड हमने अभी इंटर किया, अभी हमने जो नया पासवर्ड बनाया आप लोग को सिंपली वो डाल लेना यहाँ पे। तो हम लोगों ने पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। दोस्तों, मैंने आपको पूरा बताया कि अगर आपने पासवर्ड भूल चुके हो तो कैसे कर सकते हो, जैसे कि अधिकतर लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, मैंने ये भी आपको बताया। तो देख सकते हैं सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, इसको आप सेव कर लो, चाहो तो नोट ना करना। इससे क्या होगा, सेव करने से क्या होगा, आपको बार बार पासवर्ड नहीं पूछेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक ही आईडी दो मोबाइल फोन में लाइव चल रहा है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपने अगर ये ओपन करके रखा तो इसका लॉग आउट हो जाएगा या फिर इसका ओपन करके रखा तो इसका लॉग आउट हो जाएगा। और आप मैसेज भी कर सकते हो, किसी को मैसेज कर सकते हो एक टाइम में दोनों से, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।